फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो उसके लिए मैंने मिक्सी के जार में तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने मोटी वाली चीनी ली, जिसे हम ग्राइंड करेंगे। और मैंने इसमें 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें बटर या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। तो आप इसमें तेल यूज़ ना करके बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ और इसको हम कर लेंगे, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसे पीस लिया है और ये कुछ ऐसा थिक सा बैग का टाइप का बन गया। अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। मैंने इस कप के नाप से 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। हमने 1 कप मैदे में 1 चम्मच, देखिए इतना हम डालेंगे बेकिंग सोडा। थोड़ा सा और डालेंगे बेकिंग सोडा। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पिंच ऑफ खाने वाला सोडा। थोड़ा सा हम इसमें बिल्कुल डालेंगे नमक। और हम यहाँ पे इस स्टेज पे अब डालेंगे कोको पाउडर। तो फ्रेंड्स, इस कप के मेजरमेंट से मैंने आधा कप किसी भी आधा कोको पाउडर लिया। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और हम इसे अब छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लोई। तो अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा थोड़ा सा दूध मिला के इसको ऐसे फ्लोई कंसिस्टेंस में ले आएंगे। और जो है, आप ये बात का ख्याल रखिएगा इस बात का कि जो है दूध रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, फ्रिज का अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से विस्क कर लीजिए और इसके सारे लम्स जो है गुटलियाँ सारी उठ जाए। सो फ्रेंड्स, मैंने केक का बैटर तैयार कर लिया है। इसमें इस तरह के बबल्स नहीं पड़ने को, तो इसे आप अच्छे से पीट लीजिएगा। दूसरी तरफ मेरे पास केक टिन नहीं है, तो इसमें मैंने इस कटोरे में थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लिया, क्योंकि इस टाइम मेरे पास बटर पेपर भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, इस बैटर को इसमें डालेंगे। इसको हमने अच्छे से कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैंने इस पर जो है केक के बैटर को डाल दिया। अब आप ये जो बबल्स देख रहे हैं जो ऊपर आ रहे हैं, इसे आप थोड़ा इस तरह से टैप करते जाइए और सारे बबल्स को टैप करते जाएंगे, सारे बबल्स फूटते चले आएंगे। बबल्स को ऐसे ऐसे टैप करते जाएंगे। उसके बाद जब सारे एयर बबल्स सारे इस तरह से हट जाएँ, तो फ्रेंड्स मेरे पास तो अवन नहीं है, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में बेक करने जा रही हूँ। आपके पास अवन हो तो आप उसमें अवन को प्री हीट करिए, पहले अवन को प्री हीट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर से बेक करिएगा। मेरे पास अवन नहीं है तो मैं इसे कढ़ाई में बेक करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने रख दिया है। मैंने इसमें नमक सॉल्ट डाल के रख दिया है। इसे थोड़ी देर प्री हीट करेंगे, फिर इस पर एक स्टैंड लगा के अपने केक को इसमें रख देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें स्टैंड लगा दिया है कढ़ाई, और अपना जो है अब इसमें केक
और फ्रेंड्स मैंने इसे बेक होने रख दिया है। अब हम इसे 7 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे, अगर पक गया होगा तो ठीक, अगर नहीं पका होगा तो हम इसे कुछ टाइम के लिए और पकाएंगे, 5 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स अब इसे हम लो टू मीडियम में रख के इसे 7 मिनट्स के लिए पकाएंगे, बेक होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें जो है कपड़ा लगा के इसके ढक्कन को अच्छे से ढक दिया है ताकि कोई भी एयर अंदर ना जा सके, और जो है ये इसका स्टीम बन के स्टीम उस केक के ऊपर ना गिरे, तो मैंने इसको अच्छे से दबा कर ढक के रख दिया है। अब हम 7 मिनट्स बाद इसे चेक करेंगे कि हमारा केक कितना बेक हुआ है। डबल बॉयल में रखकर ब्राइट करूँगी ताकि मैं इससे चॉकलेट गनाश बना सकूँ अपने केक को डेकोरेट करने के लिए। मैंने पानी को बॉयल करके उसके ऊपर ही चॉकलेट की कटोरी को रख दिया ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप या तो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में पानी रख के और चॉकलेट को कटोरी में, चाहे कांच की कटोरी में चाहे ऐसी कटोरी रख के डबल बॉयल कर सकते हैं, इससे आपका चॉकलेट आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बन के हमारा केक बिल्कुल रेडी, देख सकते हैं आप कितना चारीदार है। बस उसे थोड़ा निकालते हुए वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो फिर अब हम इसमें लगाएंगे चॉकलेट गनाश, जब ये ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चॉकलेट गनाश बनाना सिखाऊंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। देख सकते हैं मेरे बच्चों के लिए केक बना लिया है, बड़े से चॉकलेट से गनाश भी कर दिया, थोड़ा सा ऐसे सिंपल सा डेकोरेशन बच्चों को खुश करने के लिए किया है। ये हमारा केक का फाइनल लुक है। और मैं इसे कुछ टाइम के लिए फ्रीज में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, अच्छे से जम जाए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय। केक हमारा हमने फ्रिज में रखा था, अब ये जो है सेट हो गया, तो मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ ये केक कैसा बना है। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फ्लफी, बहुत ही अच्छा जालीदार बन के आया है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। अब अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको इसके बाद चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बाय बाय।